हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 ये 5.3 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स न्यू एनसीईआरटी से क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर रूट जैसे आपने देखिए यहाँ पर 9801, तो इसका यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। आप देखिए 1 किस कंडीशन में आ जाएगा, जैसे आपका आ गया 121, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 निकालो ना, तो क्या स्क्वायर रूट आएगा इसका 11 × 11, तो बाहर स्क्वायर रूट 11 आ गया। 121 का एग्जाम्पल लिया हमने, तो इसका 1 यूनिट डिजिट 11 का 1 हो सकता है, तो 1 भी पॉसिबिलिटी है, 1 भी आ सकता है। अब हमने देखा 81, देखिए लास्ट में 1 आ रहा है ना, यहाँ पर 121 में भी आ रहा है। अब तुमने 81 देखा, तो 81 देखोगे तो 81 में क्या आएगा, 81 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो 9 × 9, तो ये पेयर बन के 9 आ गया। तो हमने देखा एक एग्जाम्पल लिया 121, तो 121 लिया, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 11, तो यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 9801 जो नंबर 1 से एंड होता है उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है और 9 भी, हमने एग्जांपल्स लेके बताए 121 और 81 में, तो ये आपके आंसर आ गया 19। अब 99856 यहां पर पॉसिबिलिटी देखें तो यहां पर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो इसका कैसे, इसका स्क्वायर रूट निकाला, जैसे लास्ट में 6 आ रहा है, जैसे आपका 36 है, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आएगा 6 × 6, तो ये 6 यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। अगर कोई नंबर 6 से एड होता एंड होता है तो उसका क्या हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का 6 हो सकता है। और दूसरा जैसे आपने लिया 196 लिया, तो 196 की जब फैक्टर्स करेंगे तो 14 × 14, इसका स्क्वायर रूट 14, तो यूनिट डिजिट कितना आया 4। तो जो कोई नंबर 6 से एंड होता है उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, हमने एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया। ऐसे ही अभी ऊपर पढ़ा आपने 99801, तो इसमें पॉसिबिलिटी वही आएगी, 1 की भी आ सकती है, 9 की भी आ सकती है। जैसे 9801 में क्या पॉसिबिलिटी आई स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट की, 1 और 9 यहाँ आएगा। और ये आपको पता है कोई भी नंबर अगर लास्ट में 25 आता है या 5 आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जैसे 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5, तो 5 से एंड हो गया इस तरीके से है। तो अगर आपका जैसे कोई नंबर है 625, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 625 है ना, लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 पेयर बनके, पेयर बनके 25 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या है 25, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है 5, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि अगर कोई नंबर 25 और 5 से एंड हो रहा है तो लास्ट में यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट में 5 आएगा, ये निश्चित रूप से। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 5.3 इस वीडियो में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर सेवरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको हमें बता दें जरा, ये जैसे 16 है तो 16 के फेयर आप पेयर्स बनाओगे ना, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16, इसका पेयर बनाएंगे तो कोई पेयर लेफ्ट नहीं हो रहा, तो इसको मानेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ये पीएस है, परफेक्ट स्क्वायर, पीएसएन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर बचा नहीं। अब जैसे आपने 8 लिया, 8 के प्राइम फैक्टर्स करो 2 × 2 × 2, इसका पेयर बन गया, एक पेयर लेफ्ट है, 2 पेयर लेफ्ट है, तो इसमें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है, जिसका पेयर बन जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 25 है तो इसका क्या बन गया 5 और 5, पेयर बन गया, कोई नंबर कोई फैक्टर्स यहाँ लेफ्ट नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, पीएस आएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हैव यू गॉट इट। अब हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन बताना है, हमें फैक्टर्स नहीं करने। तो हमने नोट पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन, नोट याद कर लो, द नंबर्स एंड विद 2, 3, 7 और 8 आर सियोरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते जिनका एंड किससे होता है, 2 से 3 से 7 से या फिर 8 से। तो हम देख रहे हैं 153, तो इसका एंड 3 से हो रहा है ना, तो कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका एंड 7 से हो रहा है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसका एंड 8 से हो रहा है तो ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनओ नंबर, एनओ का मतलब यह नंबर है। और ये भी 1 से हो रहा है तो ये हो सकता है, ये 1 वाला है ना, 1 से कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8 वाले ये नहीं हो सकते, ये इसका हो रहा है 4, 4, 1। और वैसे हम इसे करके भी देखें तो 4 और 4, 1, तो अगर हम देखेंगे तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, इसके जो फैक्टर्स आएंगे 4, 21, 21 into 21 कितना होता है 8, तो इसका पेयर बाहर आ जाएगा 21, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आप ऐसे करना चाहो, पूरे फैक्टर्स बनाना चाहो, तो इसके पूरे प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, जैसे 21 को लिख दो 3 into 7 और 21 को लिख दो 3 into 7, अब 3 के पेयर्स बना लो तो 3 into 3 और ये बन जाएगा आपका 7 into 7, तो इसका क्या आ गया 3 आ गया, इसका 7 आ गया 21। तो यहाँ पर आपको 21 ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 से एंड हो रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये करके नहीं दिखाना लेकिन हमने आपको समझाया है। तो 2, 3, 7, 8 से एंड होने वाले क्वेश्चंस कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ये श्योर है, श्योरली आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस वीडियो में किया, अच्छी तरीके से आपको समझाया, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।